द यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन का चुनाव हुआ है और हमारे साथ अध्यक्ष जो चुने गए हैं विनय शुक्ला जी मौजूद हैं। विनय शुक्ला जी, आपको सबसे पहले बधाई। और क्या कुछ चुनौतियां, क्या कुछ रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, आज 36वीं वार्षिक आम सभा थी राइस मिलर्स एसोसिएशन की। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब से 36 वर्ष लगातार हम लोग वार्षिक आम सभा कर रहे हैं, लेकिन पहली बार इतना जनसैलाब उमड़ा है, इतनी बड़ी संख्या में राइस मिलर्स आज उपस्थित हुए हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं सभी अपने राइस मिलर साथियों का हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। मैं अध्यक्ष के रूप में चुना गया हूं निर्विरोध। हमारे साथी श्री हरिकिशोर गुप्ता जी हैं जो शाहजहानपुर से हैं, ये भी निर्विरोध महामंत्री के रूप में चुने गए हैं। हमारे साथी श्री प्रमोद सिंह मिर्ज़ापुर से हैं, वो भी निर्विरोध चुने गए हैं। जो हमारी कार्यकारिणी, ये एक बहुत बड़ी मतलब राइस मिलर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठन हैं, मेरा ये मानना सबसे बड़ा संगठन यही है। हमारे संगठन में बहुत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, जैसे माननीय खन्ना जी भी हमारे सदस्य के रूप में हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो हम लोगों के बीच में आकर आज बहुत सारी समस्याओं पर निराकरण करने का जो काम किया है, प्रयास किया है, जैसे कि उन्होंने आड़त के लिए आश्वासन हम लोगों को दिया है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आड़त खरीद राइस मिलर्स को मिले और उसका लाभ पूरा किसानों को मिले। दूसरी बात, 1980 से लगातार हम लोगों को 10 रुपये कुंतल के रूप में कुटाई के रूप में जो मिल रहे थे, उस विषय में हम लोगों ने फोकस डाला, माननीय मंत्री जी के सामने अपनी बात रखी। माननीय मंत्री जी ने उसमें हम लोगों को जो आश्वासन दिया है कि 100 रुपये कुंतल के रूप में सभी राइस मिलर्स को दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। तीसरी बात, जो भुगतान के संबंध में है, निरंतर राइस मिलर्स के साथ अन्याय हो रहा है और अधिकारी हमारे मालामाल हो रहे हैं और हम लोग ये बात सुनते नहीं थे। अन्याय क्या हो रहा है इसके बारे में? अन्याय ये हो रहा है कि पहली बात तो हमने आपको बताया कि 10 रुपये कुंतल के रूप में ज़बरदस्ती काम कराते हैं। दूसरी बात, 10 रुपये भी देते नहीं, और जो हमारे सारे मद हैं, जैसे कुटाई है, प्रोत्साहन है, बहुत सारे मद हैं, तो ये हमको भुगतान नहीं करते। माननीय मंत्री जी ने ऐसा आश्वासन दिया है कि इनको भुगतान करना पड़ेगा और राइस मिलर्स की बात सुननी पड़ेगी, और यदि ये नहीं सुनते हैं तो अपने बीच में बिठा कर अधिकारियों को बुलाकर राइस मिलर्स की बात इनको सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, और सदैव राइस मिलर्स के हित के लिए हम काम करेंगे। आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, कैसे सबका भला हो, जो राइस मिलर्स के जो लोग हैं, जो आपके संगठन के लोग हैं, उनका कैसे भला करेंगे? देखिए, मैंने मंच के माध्यम से एक बात कही है कि राइस मिलर बहुत अपेक्षित है, बहुत सारी समस्याएँ हैं, लेकिन समस्या भी है, समाधान भी है, सरकार भी हमारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव राइस मिलर्स के लिए, व्यापारी के लिए काम करते हैं, किसान के लिए लगातार प्रयास करते हैं, ऐसे ही उनकी कोई मंशा नहीं, लेकिन बीच में हमारे जो अधिकारी भाई हैं, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़े घूसखोर हो गए हैं, कुछ आरोप लगा रहे हैं। भाई, हमारा कुटाई 10 रुपये मिलता है, प्रोत्साहन हमको 30 रुपये मिलता है, समय पर ये भुगतान नहीं करते। हम लोग निरंतर दौड़ पर दौड़ लगाया करते हैं, ये सुनते नहीं। ऐसे स्थिति में माननीय मंत्री जी ने ऐसा आश्वासन दिया है कि सारा इनको बस समय पे भुगतान करना पड़ेगा और आपकी बात सुननी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, फिर से एक बार आप सभी को बधाई। हमारे साथ नव निर्वाचित अध्यक्ष विनय शुक्ला जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया, आरोप भी लगाया, जो प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया कि जो 10 रुपये प्रति क्विंटल जो पिसाई के दर से हमें देते थे, उसमें भी कहीं ना कहीं हेर फेर हो रहा था। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी अभी आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। विनय शुक्ला जी ने कहा कि हम जो है इस दर को बढ़ा के 100 रुपये तक ले जाने का प्रयास करेंगे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।